चीफ जस्टिस गालिफा रीसा ने विफाकी तहकीकात इदारे एफआईए की जानिब से सहाफियों को नोटिस जारी करने के हवाले से केस की समाप्त करते हुए रिमार्क दिए कि अगर हुकूमत पति रजा केस में कुछ नहीं करती तो ऐसा हुक्म देंगे जो पसंद नहीं आएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने केस की समाप्त की। समाप्त के आगाज पर प्रेस एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि केस में कुछ भी अर्जेंट नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि बैरिस्टर हैदर वहीद कहाँ है। वकील ने बताया कि वो मीडिया रेगुलेशन के मुताबिक अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से सहाफियों को नोटिस जारी करने के हवाले से केस की समाप्त करते हुए रिमार्क दिया। अगर हुकूमत वतीला जान केस में कुछ नहीं करती तो ऐसा हुक्म देंगे जो पसंद नहीं आएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने केस की समाप्त की। समाप्त के आगाज़ पर प्रेस एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि केस में कुछ भी अर्जेंट नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि बैरिस्टर हैदर वहीद कहाँ हैं। वकील ने बताया कि वो मीडिया रेगुलेशन से मुताबिक अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि मगर वो अदालती कार्रवाई के लिए नहीं आए, क्या इनकी पिटीशन आज़ादी इजहार को यकीनी बनाती या मजीद रोकती? उनके केस में दरख्वास्त गुजार कौन थे? 2022 से ये दरख्वास्त किस बुनियाद पर दायर की गई? क्या इनका मकसद पूरा हो गया है? अपनी बात जारी रखते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, दरख्वास्त गुजारों में कोई चकवाल का था, कोई इस्लामाबाद का, कौन सा मुश्तरक मफाद था जो इन दरख्वास्त गुजारों को साथ लाया था? मीडिया में भी बड़ी मुंतखब रिपोर्टिंग होती है। अब ये रिपोर्ट नहीं होगा कि ये 6 दरख्वास्त गुजार गायब हो गए, इसीलिए हमने कहा था कि हम अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे। उन्होंने सवाल किया, क्या हैदर वहीद वाली दरख्वास्त का कोई पिटिशनर अदालत में है? बाद चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया और दरियाफ्त किया कि क्या इस तरह की दरख्वास्त अदालत का गलत इस्तेमाल नहीं? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बिल्कुल ये अमल का गलत इस्तेमाल है। काजी फायज ईसा ने कहा, क्या ऐसी दरख्वास्तें अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाती हैं या इसे कम करती हैं? इस पिटीशन के तमाम दरख्वास्त गुजारों को नोटिस करके तलब क्यों ना करें? अटॉर्नी जनरल ने भी दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी करने की हिमायत कर दी। इस बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौकफ अपनाया कि अवामी मफाद की दरख्वास्त वापस नहीं हो सकती। आर्मी चीफ की तौसी से मुतालिक रियाज हनीफ राही वाली दरख्वास्त भी वापस नहीं लेने दी गई। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कहीं आपके इन लोगों से अदालत के बाहरी सेटलमेंट तो नहीं हो गई? बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि हम एक सहाफती इदारा है, ऐसे सेटलमेंट के वसाइल नहीं। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि जरूरी नहीं पैसे ही हों, यह भी हो सकता है कि कहा गया हो कि आइंदा मेरी खबर अच्छी छाप देना। बदला सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन वाली पिटीशन की दरख्वास्त गुजारों को जाती हैसियत में तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिए। इसके बाद काजी फायज ईसा ने कहा, कोई और अर्जेंट मामला है जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन का मतीउल अरजान केस का हवाला दिया? चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अटॉर्नी जनरल, अगर मैं एक केस को ओपन एंड शक कहूं तो वो मतीउल अरजान केस का है। आपके पास इस वाकई की वीडियोज भी मौजूद हैं। हुकूमत अखबार में इश्तिहार क्यों नहीं देती कि इन लोगों की तलाश है? अगर आप कुछ नहीं करते तो ऐसा ऑर्डर आएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए काजी फायज ईसा ने कहा, क्या उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था? ये कैसी सहाफत हुई? अगले ही दिन मेरी अहिल्या के बारे में गलत खबर चल गई, कहा गया कि वो एक मीटिंग में बैठी हुई है। तो क्या हम सारा दिन बैठ कर वजाहतें जारी करते रहे? फिर कहा जाएगा, चीफ जस्टिस की बीवी ने तो तर्दीद जारी नहीं की। क्या तासुर जाएगा इस खबर से कि चीफ जस्टिस की अहिल्या ऑफिशियल मीटिंग में बैठी थी? उन्होंने कहना था कि ऐसी खबर चलाने वालों को क्या तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें? क्या फर्द जुर्म आयद करके इन्हें जेल भेजें? आपने थाम लेने और अपनी खबर में उन्होंने यही कह दिया। क्या ज्यादा रिट्वीट्स लाइक से पैसे कमाए जा रहे हैं? क्या किसी सहाफी पर झूठ बोलना साबित हो जाए तो सहाफती इदारे उसकी मेंबरशिप खत्म करेंगे? बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि वार्निंग देकर शो कॉज करके मेंबरशिप खत्म कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे क्या हो जाएगा, आप अफसर ऑफ कोर्ट हैं, हल बताएं। इसे बैरिस्टर सलाहुद्दीन का कहना था कि हद तक इज्जत का कानून पाकिस्तान में इतना मजबूत नहीं, इसीलिए यह सब होता है। काजी फायज ईसा ने कहा, क्या वकील ने कभी अपने मेंबर के खिलाफ कार्रवाई की, सहाफियों ने की? यह सब तो एक ट्रेड यूनियन बन गई है, हमने तो आपको अपने इदारे में करके दिखाया, आप भी करके दिखाएं। बाजार अदालत ने केस की समाप्त गैर मना मुदत तक मुलतवी करते फरीकैन से तहरीरी दलाल भी तलब करी। अदालत ने रिमार्क दिए कि सबका बेंच की दोबारा दस्तियाबी पर केस दोबारा मुकर्रर किया जाएगा। बाजार चीफ जस्टिस ने आज की समाप्त का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मीडिया रेगुलेशन से मुताबिक पिटीशन वापस लेने की दरख्वास्त आई। पिटीशन की दरख्वास्त गुजार अदालत आए, ना वकील ना ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आए। दरख्वास्त में कहा गया कि वफाकी हुकूमत मीडिया रेगुलेशन का मामला खुद देख रही है। तहम अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत से मंसूब इस बात की तर्दीद की। याद रहे गुज़श्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी तहकीकाती इदारे एफआईए की जानिब से सहाफियों को जारी नोटिस से मुतालिक केस की समाअत करते हुए 2 अप्रैल तक वफाकी तहकीकाती एजेंसी को सहाफियों को गिरफ्तार करने से रोक दिया था। इसे गुज़श्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट में वफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से सहाफियों को जारी नोटिस से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क दिए कि पाकिस्तान में मीडिया और सहाफियों के साथ क्या हुआ, इस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात और मनफी प्रोपेगेंडा की तशहीर पर एफआईए ने 47 सहाफियों और यूट्यूबर्स को नोटिस जारी करते हुए तलब कर दिया था। एफआईए की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की तशहीर में मुलविस अपराध के खिलाफ अब तक 115 इंक्वायरियां रजिस्टर की जा चुकी और 65 नोटिस भी दिए जा चुके। इन नोटिस की समाप्त 30 और 30 जनवरी को होगी। जिन 65 अफराद को नोटिस जारी किए गए, इनमें 47 सहाफी यूट्यूबर्स भी शामिल हैं, जिनमें चंद नामर सहाफी भी हैं। जिन 47 अफराद को नोटिस जारी किए गए, उनमें असद तूर, पारस जहाँजेब, इकरारुल हसन, सिद्दीक जान, मतीउल्ला, अली हसन बलोच, सैयद अकबर हुसैन, दानिश कमर, साकिब बशीर, सजाद अली खान, सैयद हैदर रजा मेहदी, शाहीन सभाई,
سر المیڈا، رضوان احمد خان، عدیل راجہ، ریاض الحق، ثابت شاکر، سید احسان حسن نقوی، محمد فہیم اختر، ثاقب حسین، سہیل رشید، ناصر محمود شامل ہیں. اس کے علاوہ احتشام وکیل جبران ناصر، احتشام نصیر، سبتین رضا، شیراز افضل، محمد افضل، محمد افضل بیلا، نسرین کدوائی، طیب اجاز، انیلا منیر، ذیشان علی، حافظ شاکر محمود، ایاز احمد، طارق متین، سلمان سنگر، اظہر مشوانی، عدنان، امل زیدی، عمران ریاض، اوریا مقبول جان، زاہد قیوم بڑائچ، عارف حمید بھٹی، نظر محمد چوہان، فضل جاوید، محمد اکرم، سارا تاثیر اور متین حسنین کو بھی نوٹس جاری کیے گئے. پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اعلی عدلیہ کے خلاف مبینہ مہم پر ایف آئی اے کی جانب سے صحافیوں اور یوٹیوبرز کو نوٹس بھیج کر مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے کا خود نوٹس دیتے ہوئے کیس کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے رانا محمد صاحب تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کے عامل انتخابات میں 128 سے آن چودھری کی کامیابی کے خلاف دائر درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر دیا. جسٹس علی باقی ندوی نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت کی. سماعت کے آغاز پر وکیل درخواست گزار ایڈوکیٹ سمیت کھوسا نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت کے پاس آیا ہوں. اس عدالت کے پاس آنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے کیس ٹریبیونل کو بھیجا مگر ٹریبیونل کوئی بھی آبزرویشن نہیں دے سکتا. لاہور ہائی کورٹ نے رہنما پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کے عام انتخابات میں 128 سے آن چودھری کی کامیابی کے خلاف دائر درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. جسٹس علی باقر نجفی نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت کی. سماعت کے آغاز پر وکیل درخواست گزار ایڈوکیٹ سمیر کھوسا نے کہا میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت کے پاس آیا ہوں. اس عدالت کے پاس آنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں. الیکشن کمیشن نے کیس ٹریبیونل کو بھیجا مگر ٹریبیونل کوئی بھی آبزرویشن نہیں دے سکتا. اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ٹریبیونل کے پاس الیکشن کمیشن سے اوپر کوئی بھی اختیارات نہیں ہے. ٹریبیونل الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دے سکتا. وکیل نے بتایا کوئی بھی درخواست گزار الیکشن ٹریبیونل میں الیکشن کو چیلنج کر سکتا ہے مگر درخواست گزار الیکشن کمیشن کے کسی آرڈر کو چیلنج نہیں کر سکتا. ایڈوکیٹ سمیر کھوسا نے موقف اپنایا کہ ہم نے آن چودھری کی حلقہ این 128 سے جیت کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں درخواست دائر کریں. الیکشن کمیشن نے اپنے قانونی جواز کو استعمال نہ کیا. انہوں نے استدعا کی کہ عدالت الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم کرتے ہوئے حلقہ این 128 سے آن چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی قلعدم قرار دے. بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کے عام انتخابات میں 128 سے آن چودھری کی کامیابی کے خلاف دائر درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. واضح ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ میں آن چودھری کی کامیابی کے خلاف درخواست دائر کی تھی. یاد رہے مختلف صورتحال میں سلمان اکرم راجہ کو شکست دی جس کے بعد میں سلمان اکرم راجہ نے 9 فروری کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر لیا. عدالت نے اس حلقے کے نتائج جاری کرنے سے روک دیا. بعد ازاں 15 فروری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان قومی اسمبلی کے حلقہ این 127 لاہور سے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما آن چودھری کی کامیابی کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا. تاہم 23 فروری کو الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقہ این 128 سے آن چودھری کی بحالی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا. وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلے بطور اپوزیشن ہاتھ بڑھایا تھا جسے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے جھٹک دیا تھا. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نواز شریف نے تمام گھاؤ کے باوجود آگے بڑھنے کی بات کی. ہم نے کہا تھا کہ اگر سنی تحت کانسوں کی اکثریت ہے تو وہی حکومت بنائیں. پیپلز پارٹی نے بھی نہیں پیپلز پارٹی کے ہمارے سرگرم بات کریں تو حکومت میں آنے کی دعوت دی تھی. وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلے بطور اپوزیشن ہاتھ بڑھایا تھا جسے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے جھٹک دیا. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے تمام گھاؤ کے باوجود آگے بڑھنے کی بات کی. ہم نے کہا تھا کہ اگر سنی اتحاد کونسل کی اکثریت ہے تو وہی حکومت بنائیں. پیپلز پارٹی نے بھی نئے حکومت میں آنے کی دعوت دی تھی. انہوں نے کہنا تھا ہماری اکثریت کافی زیادہ ہے. پیپلز پارٹی اور دیگر سپورٹ کرنے والی سیاسی جماعتوں کے شکر گزار ہیں. امید ہے کہ شام تک ہمارے تمام امیدوار کامیاب ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں بھی غیر مشروط حمایت کی تھی. وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کوئی تعمیری اور مثبت سیاست نہیں کی. کیا ان کی سیاست صرف یہی ہے کہ جلاؤ گھیراؤ کرو؟ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ حلف کی پاسداری کرتے ہوئے اسمبلی میں لوگوں کے مسائل حل کریں. مسلم لیگوں کے رہنما کا کہنا تھا کہ اس وقت سیاسی استحکام سب سے بڑی ضرورت ہے. سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا. کچھ ذمہ داری پی ٹی آئی کی بھی ہے کہ وہ آگے آئے اور سیاسی استحکام میں اپنا حصہ ڈالیں. انہوں نے کہا شہباز شریف نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے ان کا ہاتھ جھڑک دیا. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہمارا خیال تھا ہم انتخابات میں ہمیں 90 سے لے کر 105 تک سیٹیں مل سکتی تھیں مگر ہمیں اتنی سیٹیں نہیں مل سکیں. ہم عوامی رائے کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے کہنا تھا کہ نوک جھونک چلتی رہے گی مگر ملک کو چلنے دیں. آج کا دن جمہوریت کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کر ملک کو آگے بڑھائیں گے. ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کر ملک پر بھرم رکھنا چاہتے ہیں. وفاقی وزیر نے بتایا تیل اور گیس کی قیمتیں حکومت کے کنٹرول میں نہیں. عالمی مارکیٹوں میں تیل کی قیمت کبھی تیز اور کبھی کم ہو جاتی ہے. اس حوالے سے بے یقینی کی کیفیت سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل، پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت میں تیزی آ جاتی ہے. اس وقت سب سے زیادہ اہم گیس کی قیمتوں میں کمی لانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی استحکام جو ہے وہ سب سے بڑی ضرورت ہے. سیاسی استحکام آئے گا تو اس کے ساتھ معاشی استحکام آئے گا. آپ کو تو یاد ہوگا کہ جب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن میں تھے
तो उस वक्त भी उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया था, जो झटक दिया गया। आपको याद है उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि मैं हाथ बढ़ाता हूँ और आपके साथ, यानी आपकी इमरान खान साहब की हुकूमत में, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें और आप मुल्क की तरक्की को सियासत की आड़ में ना लेकर आएँ, मुल्क की तरक्की होने दें, आपस में तो हमारी नोकझोंक चलती रहेगी, तो हम अपोजिशन के तौर पे हाथ बढ़ा के आपके साथ काम करने को तैयार हैं। तो खान साहब ने झटक दिया। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पहली तकरीर में कहा कि अल्लाह किसी को ऐसा दिन ना दिखाए जब वो अपने वालिद की तदफीन में शिरकत ना कर सकें या वालदा की तदफीन में एक मुनासिब अंदाज में गमी में शिरकत ना कर सकें या ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में अपनी बेगम का हाथ ना थाम सकें। ये छोटे घाव नहीं हैं, लेकिन मुल्की मुफाद में मैं इन सब को पीछे रख के आगे बढ़ता हूँ। मुल्की मुफाद में मैंने ये फैसला किया है कि इन सब इस तमाम घाव होने के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और मिलजुल के अपोजिशन के साथ मुल्क के ऊपर मरहम रखेंगे और मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि जिस वक्त इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, हमारे लिए आपको मालूम है वो डिसअपॉइंटिंग थे। हमारा ख्याल था कि हमें 90 से लेके 105 110 सीटें मिल जाएंगी। हमारे जितने मुबसरीन टेलीविज़न पे आ रहे थे, जितने सर्वेज आ रहे थे, उन सब के मुताबिक इतनी सीट्स हमारा ख्याल था हमें मिलेंगी, मगर हम अवामी राय का एहतराम करते हैं, हमें उतनी सीट्स नहीं मिली। और जब नहीं मिली तो सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा कि अगर सुन्नी इतिहाद यानी PTI के लोग ये समझते हैं अगर वो ये कि उनकी मेजॉरिटी है और वो कह रहे हैं तो वो आएँ और वो हुकूमत बनाएं और हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। ये था फैसला उस वक्त का। और फिर इस फैसले को अमली जामा पहुंचाने के लिए पीपल्स पार्टी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और उन्होंने टेलीफोन करके खुर्शीद शाह साहब ने जो दावत हमें दी थी उससे वही दावत हमसे पहले पीपल्स पार्टी को दी और ये कहा कि अगर आप हुकूमत बनाना चाहें तो पीपल्स पार्टी आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार है, तो आप हुकूमत बना लें। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, सवाल आपके तवस्त से आवाम से पूछता हूँ, जब आपके पास हम वोट लेने आते हैं तो हम क्या करने आते हैं? हम यही कहने आते हैं ना कि अगर आपने हमें हम पे एतमाद किया, अगर आपने हमें वोट दिया तो हम आपकी मुसीबतों का हल तलाश करेंगे, अगर हमें लीडरशिप मिली तो हम अवामी मसाइल को हल करेंगे, गुरबत को मिटाएंगे इस मुल्क से, इन लोगों को बच्चे बच्चियों को जो सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं उन्हें नौकरियाँ देंगे। तो क्या ये फ़र्ज़ नहीं था अगर वो समझते हैं कि वो मेजॉरिटी में थे कि वो हुकूमत बनाते, और जिस तरह हम आगे आके अवामी इस मुश्किल वक्त में अवामी मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आगे आके, क्या उनकी सियासत सिर्फ ये है कि गिरा दो, जला दो, आग लगा दो, बस यही सियासत है? यानी अगर आपको मिल गई है मेजॉरिटी तो आए ना, या तो पीपल्स पार्टी आपको ना कह रही हो या पीपल्स पार्टी आपको कह रही हो कि आधी हमें वजारतें दे दें, कोई ऐसी बात नहीं हुई, मगर इसके बावजूद कोई तामीरी सियासत, मस्बत सियासत PTI ने नहीं की। और उन्होंने यही फैसला किया कि हम वही कहेंगे कि आज हम ये सामने आ जाएंगे प्रोविंशियल असेंबली के, कल हम फलां चौक में आ जाएंगे। भाई आप चौक में ज़रूर आएँ, लेकिन आप फिर ये क्यों कहते हैं हमारे पास मेजॉरिटी है? और अगर मेजॉरिटी लेते हैं, अवाम आपको ट्रस्ट करते, तो क्यों आके उनके मसाइल आप हल नहीं करते? अभी भी अगर आपने असेंबलीज में ओथ उठाया है तो ओथ उठाया है ना, तो उस ओथ की पासदारी करते हुए असेंबली के अंदर जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाएँ, लोगों के मसाइल जो हैं उनको हल करें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा सवाल है, हमारी तरफ से भी अगर किसी जगह पे झोल है तो हमें उसको कम करना चाहिए। अगरचे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो फिर कुछ दिन पहले कहा कि मैं फिर आपने मेरा हाथ झटका, पहली तकरीर में हाथ झटका, मैं फिर आपके सामने हाथ बढ़ाता हूँ, मगर भाई आप कितनी दफ़ा हाथ बढ़ाएंगे? हम कदम भी बढ़ा रहे हैं, हाथ भी बढ़ा रहे हैं, मगर कुछ पेशरफ तो दूसरी तरफ से भी होनी चाहिए ना। कुछ जिम्मेदारी तो PTI की भी है कि वो आगे आए और ये जो जिस चीज़ को आप सियासी स्टेबिलिटी कह रहे हैं और उसके अंदर अपना हिस्सा डाले। एक सेकंड में आपको, अमीर और गरीब का जो गैस का बिल है वो अलग अलग करके हमें अच्छी तरह से याद है, लेकिन अभी हमने देखा नवंबर से लेकर अब तक 3 बार गैस की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं और दोबारा बढ़ाने के लिए 250% तक शायद उसकी समाप्त भी बाकायदा तौर पर हो चुकी है। पेट्रोलियम की कीमतें परसों बढ़ी है, क्या महंगाई में कमी के लिए किस तरह से आप करेंगे? जी अभी तो मुझे आए हुए आपको मालूम है ये एक कुछ हफ्ते हुए हैं, ये जो आपने अभी जिस चीज़ का जिक्र किया ये मेरे दिल के सबसे करीब है। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ मेरे ख्याल में ये है कि अगर कीमतें बैनुल अक्वामी मंडी में बढ़ती भी हैं तो गरीब आदमी को कैसे उस बढ़त से बचाया जाए। तो मैंने पिछली मरतबा भी आपको कहा था कि 0.9 हेक्टामीटर क्यूब, यानी अगर किसी घर में एक या दो चूल्हे जल रहे हैं कुछ 6-7-8 घंटे के लिए, 3 दफ़ा घर में खाना बनाने के लिए,
और जो सर्द इलाके हैं उनमें अगर एक या दो घंटे शाम को कोई एक बर्नर वाला हीटर भी जल रहा है तो उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इससे ज़्यादा हमारे लिए बचाना इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज़ ये जो नंबर मैंने आपको दिया है, वो लोग जो चलाते हैं चूल्हे जलाते हैं और एक आध घंटा शाम को बहुत सर्द इलाकों में हीटर चलाते हैं, ये मुल्क की 60% आबादी हो जाती है। तो इससे ज़्यादा जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इकोनॉमिकली हम बिल्कुल कलेप्स करना शुरू कर देते हैं और वो सर्कुलर डेट बढ़ना शुरू हो जाता है और दीगर मसाइल हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो जो भी कीमत का अगर कोई बोझ आता है हमारे ऊपर, तो ये हम इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में पूरी कोशिश करेंगे कि जिन लोगों का मैंने आपको जिक्र किया, जो इस मुल्क की 60% से ज़्यादा की आबादी है, उनको दोबारा से प्रोटेक्ट किया जाए। और जो पिछले आए हैं वो गैस के बिल आए हैं, मैं एक तनकीदी जायज़ा मैंने ओगरा को दरख्वास्त की है और एक बैनुल अक्वामी बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी जो है ऑडिट की जो करती है उसको ये दावत दी गई है कि वो दोनों सुई कंपनीज का कंप्लीट ऑडिट करे। और ओगरा के चेयरमैन को मैंने खुद ये दरख्वास्त की है कि ये जो आपके सामने इन्होंने नई तजावीज़ रखी हैं SSGC ने और SNGPL ने, जो दो सुई कंपनीज हैं जिसमें ज़्यादा बढ़त का दोबारा मुतालबा किया गया है, इसका कंप्लीट ऑडिट करें और हमें बताएं कि ये क्यों दावा किया गया, किस बुनियाद के ऊपर दावा किया गया है। तो वो जैसे ही वो ऑडिट का रिज़ल्ट हमारे पास ओगरा और बैनुल अक्वामी जो एक ऑडिट कंपनी है दोनों का आएगा, तो मैं आपके सामने दोबारा वो ऑडिट की रिपोर्ट लेकर हाजिर हूँगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कंपनियाँ दो ही हैं वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और अगरचे उनमें से बहुत से टीम मेंबर्स ऐसे हैं जिन पे हमें बड़ा एतमाद है और इंशाल्लाह वो हमारा हाथ मजबूत करेंगे और गरीब कम के मसाइल को हल करेंगे, लेकिन अगर किसी भी जगह पे कोई इररिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आई तो उसको बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। और कुछ मुझे नज़र आई है और मैंने उसका अंदिया दे दिया है दोनों सुई कंपनीज़ को। और आज यहाँ से जब मैं जाऊँगा तो मैं SNGPL से मैं मुलाकात कर चुका हूँ, यहाँ की जो कंपनी है, और SSGC से मुलाकात के लिए मैंने अभी अपनी टीम को कहा है कि आज शाम को जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसके बाद पहले जहाज़ में बैठ के मैं जाऊंगा कराची, और कल SSGC के साथ यही बातें जो मैं आपके साथ कर रहा हूं उनके बोर्ड के साथ और उनकी मैनेजमेंट के साथ कल ही, यानी इंशाल्लाह ओथ से भी पहले ये मसला जो है, ये जो कीमतें बढ़ने का मसला है और किस तरीके से ये अपना जो मुकदमा पेश कर रहे हैं ओगरा के सामने, उसके अंदर क्या कबाहतें हैं, किन किन चीज़ों से बोझ अवाम के ऊपर पड़ रहा है, ये कल ही SNGPL के साथ जब मैं इधर आया हूँ वीकेंड के ऊपर मेरी मीटिंग हो चुकी, छः घंटे की मीटिंग मैंने की इनके साथ यहीं आपके इस इमारत के पहलू में, और कल इंशाल्लाह SSGC के साथ मीटिंग होगी। ये थी अब तक की खास खास खबरें। इसी के साथ ही पाकपतन टीवी से हमें दीजिए इजाजत, मज़ीद खबरों न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकपतन टीवी।